नमस्कार, सुबह के 10 बजे जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। और खबर उत्तर प्रदेश में भदोही से बीजेपी सांसद से जुड़ी हुई वीरेंद्र सिंह, जिन्होंने सूखे से निपटने पर एक अजब बयान दिया। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि पौराणिक समय में यज्ञ करने से बारिश होती थी और इसी तरह से आज भी यज्ञ करना चाहिए जिससे बारिश हो सकती है। और फॉर्मूला दिया है सूखे पर चर्चा के दौरान लोकसभा में, जहां पर वीरेंद्र सिंह ने कहा कि सभी सांसदों को अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में यज्ञ कराना चाहिए जिससे बारिश होगी और देश को सूखे से राहत मिलेगी। मैं निवेदन करूंगा आप हर संसद सदस्यों से अपने क्षेत्र में यज्ञ को करिए, बारिश जरूर होगी क्योंकि यज्ञ के धुआं से जो आसमान में जाते हैं बादल बनते हैं, वृष्टि होता है, वृष्टि से सृष्टि का संरक्षण होता है। मैं इसकी प्रमाणिकता इसलिए दे रहा हूं कि यज्ञ को होते हुए देखा हुआ और यज्ञ होने के बाद वृष्टि होते हुए भी मैंने देखा है। उसकी एक आध्यात्मिक परंपरा है लेकिन एक वैज्ञानिक परंपरा भी है। बीजेपी सांसद ने पौराणिक मामलों का उदाहरण देते हुए सूखे से निपटने के बारे में बताया। एक तरफ पीएम मोदी देश में वैज्ञानिक तरीकों से चीजों को आसान बनाने की बात करते हैं, तो उन्हीं के सांसद हजारों साल पुरानी कहानियों से बेतुके तरीके बताते हैं और वो भी सदन के भीतर। यज्ञ से दूर होगा देश में सूखा। बीजेपी एमपी सांसदों की गुजारिश, यज्ञ कराओ बारिश आएगी। देश के 13 राज्य सूखे की चपेट में हैं, 300 से ज्यादा जिले सूखे से प्रभावित हैं, लाखों गांवों में करीब करीब 40 करोड़ लोग सूखे की मार झेल रहे हैं। लोग आसमान की ओर उम्मीद से टकटकी लगाए देख रहे हैं कि पानी बरसे तो कुछ राहत मिले। लेकिन बीजेपी सांसद ने सूखे से निपटने का तरीका लोकसभा में बाकी सभी सांसदों को दिया। देश की सबसे बड़ी पंचायत में सूखे पर चर्चा के दौरान भदोही से बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह ने सूखे का यज्ञ फॉर्मूला बताया। मैं निवेदन करूंगा आप हर संसद सदस्यों से अपने क्षेत्र में यज्ञ को करिए, बारिश जरूर होगी क्योंकि यज्ञ के धुआं से जो आसमान में जाते हैं बादल बनते हैं, वृष्टि होता है, वृष्टि से सृष्टि का संरक्षण होता है। मैं इसकी प्रमाणिकता इसलिए दे रहा हूं कि यज्ञ को होते हुए देखा हुआ और यज्ञ होने के बाद वृष्टि होते हुए भी मैंने देखा है। उसकी एक आध्यात्मिक परंपरा है लेकिन एक वैज्ञानिक परंपरा भी है। सांसद वीरेंद्र सिंह के फॉर्मूले को सुनकर सभापति के चेहरे पर भी हंसी आ गई। लोकसभा में बैठे दूसरे सांसद वीरेंद्र सिंह की बातों से हैरान थे। यानी अब लातूर में ट्रेन भेजने की जरूरत नहीं है, बुंदेलखंड को सूखे में सूखने की जरूरत नहीं है, बस यज्ञ करिए और बारिश हाजिर। एक तरफ देश की सर्वोच्च अदालत सूखे से निपटने के लिए केंद्र को निर्देश दे रही है, वहीं सरकार के सांसद ही बेतुके तर्क दे रहे हैं। वीरेंद्र सिंह के सामान्य ज्ञान को सुनकर सभी हैरान हैं। लोकसभा में सांसद जनता के प्रतिनिधि होते हैं और उनकी समस्याओं पर बहस करते हैं। लाखों लोग अपने सांसद से उम्मीद की टकटकी लगाए देखते हैं, लेकिन देखिए कैसे आपके सांसद पूरे आत्मविश्वास के साथ गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। जनक ने उस समय अपने शासन होने के नाते राजधर्म का निर्वाह किया था और आज यही 6.5 लाख तालाबों की रचना करके नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री सिर्फ राजधर्म का निर्वाह कर रहे हैं और यही देश के लिए राजधर्म है। सांसद महोदय ने तो अपनी थ्योरी से बड़े वैज्ञानिकों को भी पीछे छोड़ दिया। उनकी थ्योरी और दावे सुनकर देश के बड़े वैज्ञानिकों के भी पसीने छूट जाएंगे। जनक ने हल चलाया ऋषियों के मार्गदर्शन पर, यज्ञ किया, दृष्टि हुई और सृष्टि का संरक्षण हुआ। मैं कह सकता हूँ, मुझे बहुत सारे लोग कह सकते हैं गांव वाला है, पोंगा पंथी की बात करता है, यज्ञ करने की बात करता है, हल चलाने की बात करता है।
सांसदों के चेहरे को देखकर लग रहा था कि संसद में जैसे कोई कॉमेडी शो हो रहा हो और वीरेंद्र सिंह उनमें बेतुके बयानों की ट्रॉफी अपने नाम कमाना चाहते हैं। कोई वीरेंद्र सिंह को ये समझाए कि यज्ञ और हवन से बारिश नहीं होती बल्कि धुएं से प्रदूषण होता है और अगर दिल्ली में ऐसा हवन किया तो सीधे जेल जाने की नौबत आ सकती है। देश इस वक्त भयंकर सूखे की मार झेल रहा है। देश के 13 राज्य सूखे की चपेट में, 313 जिले सूखे से प्रभावित हैं। देश में 40 करोड़ लोग सूखे की जद में हैं। कर्नाटक में 30 में से 27, छत्तीसगढ़ में 27 में से 25, मध्य प्रदेश में 51 में से 26, महाराष्ट्र में 36 में से 21, ओडिशा में 30 में से 27, आंध्र प्रदेश में 13 में से 10, उत्तर प्रदेश में 75 में से 50, तेलंगाना में 10 में से 7, झारखंड में 24 में से 22, राजस्थान में 33 में से 19 और गुजरात के 8 जिले सूखे की चपेट में हैं। उम्मीद बस इसी अनुमान पर टिकी है कि इस साल मॉनसून अच्छा होने की बात कही गई है। बीजेपी सांसद ने कहा कि विकास के नाम पर प्रकृति से छेड़छाड़ महंगी पड़ेगी। वीरेंद्र सिंह ने संतुलन की याद दिलाई। शासन और समाज मिलकर ही किसी चीज के, किसी सूखा का, किसी दैवीय आपदा का सामना कर सकते हैं और समाज को इसमें जागरूक करने की जरूरत है। पहाड़ों पर पेड़ कटे हैं, तालाबों पर कब्जा हो रहा है। भौतिक विकास जब भी होगा तब भी प्रकृति क्रोध करेगी। मैं नहीं कह रहा हूं कि भौतिक विकास नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रकृति का संरक्षण करके भौतिक विकास होना चाहिए। सूखे पर गंभीर चर्चा के दौरान अगर संसद से भी इस बड़े संकट से निकलने के उपायों के नाम पर सिर्फ यज्ञ कराने की सलाह और पौराणिक कथाएं सुनाई जाएंगी तो फिर हालात जल्द सुधरने की उम्मीद कम ही दिखाई देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और सांसद के अजीब तर्क को अब आपको हम संक्षिप्त तरीके से बताते हैं। बीजेपी सांसद ने सूखे से निपटने के लिए यज्ञ कीजिए इस तरह की सलाह सदन के भीतर दी। यज्ञ से धुआं उठेगा तो बादल बनेंगे, धुएं से बादल बनेंगे तो बारिश होगी। पौराणिक समय में ऋषि मुनि यज्ञ करते थे, यज्ञ की वजह से पहले सूखा नहीं पड़ता था। राजा जनक ने भी यज्ञ किया तो बारिश हुई। ये तर्क दिए गए सांसद की तरफ से सदन के भीतर।